नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रविवार को डोहेला किला मैदान पर आयोजित मंत्री ट्रॉफी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में समापन के अवसर पर कहा कि कभी हम सब लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि इस किले के अंदर नाइट टूर्नामेंट भी होगा। जो किसी ने नहीं सोचा वो सपना हमने पूरा कर दिया और मैं खुराई विधानसभा क्षेत्र को ऐसे ही विकास के पथ पर अग्रसर देखना चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैच कराने का निर्णय हमारे प्रतिनिधि लखन सिंह का ही था क्योंकि सारा कुछ वही देखते हैं। हमें तो आपने मंत्री बना दिया तो प्रदेश भर का काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जैसा आज ये किला सुंदर दिख रहा है, आज ये मैदान जैसा सुंदर दिख रहा है, खुरई में हर चीज इसी तरह से हो, इसमें हम रात दिन लगे हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि आने वाले 10 सालों के अंदर किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, हर युवा रोजगार से जुड़ेगा। इस सबके लिए हम योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं और सबसे हमारा यही कहना है कि सबके जीवन में अगर समृद्धि आएगी तो वो सिर्फ विकास से आएगी। हम सब लोगों को कभी हम लोगों ने नहीं सोचा कि इस किले के अंदर नाइट टूर्नामेंट भी होगा, नाइट क्रिकेट भी होगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। जो किसी ने नहीं सोचा वो सपना हमने पूरा कर को देखना चाहते हैं। मैच कराने का निर्णय तो लखन का ही था, सारा मूवी देखते हैं हम लोग। आप सब ने मंत्री बना दिया, देश भर का काम होता है। जैसा आज ये हमारा किला सुंदर दिख रहा है, आज ये मैदान जैसा सुंदर दिख रहा है, ऐसा हमारे खुरई में हर चीज इसी तरह से हो, इसमें हम रात दिन लगे हैं। और मैं आप सब नौजवानों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर खुरई के अंदर में किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। हर युवा रोजगार से जुड़ेगा। इस सबके लिए हम योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।